श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी का बहुत अधिक समय न लेते हुए बिल्कुल छोटी बात और सीधी बात। हम सभी को भगवान ने बड़ी कृपा करके मानव शरीर दिया है, अपनी प्राप्ति का अधिकार दिया है। अब आगे हमारी इच्छा है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं, सच्चे हृदय से हम क्या चाहते हैं, भगवान को या संसार को। ये कहीं से खोज के लाने वाली बात नहीं है कि कहीं से इस बात को खोजा जाए, कहीं चार लोगों से पूछा जाए। ये स्वयं के समझने वाली बात है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से संसार में जाता है या भगवान में जाता है। यदि स्वाभाविक रूप से ही बार बार संसार की ओर ही जाता है तो संसार की प्राप्ति होगी, पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम। और स्वाभाविक रूप से ही भगवान में जाता है तो भगवान की प्राप्ति होगी, तो जन्म मरण से मुक्ति। अगर केवल भगवान को चाहते हो, स्वाभाविक भगवान की ओर जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, संसार छूट जाएगा। और संसार और भगवान दोनों की स्थिति है, दोनों की चाहना है, संसार भी मिले भगवान भी मिले, तो फिर मन में शांति नहीं रहती होगी, क्योंकि दोनों एक साथ मिलनी नहीं है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न माया मिली न राम जी मिले, दुविधा में दोनों चले गए। तो यहां पे अब निर्णय करने वाली बात है कि हम भगवान को चाहते हैं या संसार को चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अपने निर्णय वाली बात है। संसार में चाहे रुपए ना मिले, मान ना मिले, आदर सत्कार ना मिले, लोग तिरस्कार करें, अपमान करें, हंसी उपड़ाए, है ना, यदि हम ये सब सह गए, मन में कोई बात नहीं आई कोई कि नहीं इसने मेरे से ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, या ये बात मेरे साथ हुई, ये सब बात ना आई, बिल्कुल सीधी बात। ठीक है, हम सब कुछ सह गए। यदि सब कुछ सह गए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन वही यदि संसार की बात रही, मान सम्मान ये भी चाहिए, आदर सत्कार चाहिए, चार लोग हमें पूछें, चार लोग हमें माने, तो फिर माया मिली न राम, तो दोनों में से कोई मिलने वाला नहीं। जैसे संत लोग अक्सर जब सत्संग होता है, सभा होती है, तो वहाँ कहते हैं कि देखो भाई, इच्छा तो राम जी की पूरी नहीं हुई, राम जी की भी इच्छा थी, इच्छा तो सीता जी की पूरी नहीं हुई, राम जी के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, दशरथ जी चाहते थे कि राम जी ना जाएं, कहाँ कोई इच्छा पूरी हुई, माता कौशल्या चाहती थी भरत जी को राज्य मिले, मिल गया क्या, नहीं मिला ना। तो जो संसार की इच्छा चाहते हैं, जो संसार की चाहना रखते हैं, जो संसार की वस्तुओं की चाहना रखते हैं, वो चाहे जो हो, वो चाहे जो भी हो, वो सुख शांति से नहीं रह सकते, उन्हें अंत में रोना ही पड़ेगा, अंत में दुखी होना ही है। संसार को जो चाहने वाले हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो ना, जो हो, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि जिस चीज से हमारा संबंध होता है,
उस चीज का सीधा सा असर हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे भी देखिए कीर्तन के लिए आप सभी सीधे सीधे जुड़े हैं ना, अब चाहे यहाँ पे कोई अच्छी बात हो या कोई ऐसी मनमुटाव वाली बात हो, या चार लोगों के बीच ऐसी बातें हों कि आपने किया आपने किया आपने क्यों किया, तो सीधा सा संबंध होता है ना, मन खिन्न होता है कभी मन प्रसन्न होता है, सीधा सा संबंध होता है। तो जहां संबंध होगा वहां असर पड़ेगा, संबंध होगा तो असर पड़ेगा ना। अब हम लोग क्या सोचते हैं, कलयुग है साधन नहीं बनता, कलिकाल है भजन नहीं बनता। तो आपने तो अपने पास संसार का कलयुग का प्रभाव मान लिया ना, हाँ कलयुग का प्रभाव है इसलिए भजन नहीं बनता, तो आपका संसार का और कलयुग का प्रभाव होगा। भाई जिससे संबंध जोड़ेंगे उसका प्रभाव होगा ना। जैसे किसी ने बिजली के तार को स्पर्श कर लिया, अब बिजली से उसका संबंध हो गया, तो उस बिजली का जो प्रभाव है वो उसके शरीर पर होगा ना, वो बच तो नहीं सकता क्योंकि उसका संबंध उससे हो गया है। तो ऐसे ही संसार से संबंध होगा, कलयुग से संबंध होगा, अरे भाई कलयुग में रह रहे हैं तो उसका असर होगा ना, उसका असर होगा। भगवान का नाम ऐसा महा महिमा में नाम है ना, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, ऐसा भगवान का नाम है। और ऐसे भगवान के नाम को लेने के बाद भी जीव क्या कहता है, अरे महाराज हमसे कोई साधन तो बनता नहीं है, हमसे हमसे और कुछ तो होता नहीं है, हाँ बस खाली राम राम कर लेते हैं। नाम को ले रहा है साधक, नाम ले रहा है, लेकिन उस नाम का जो महत्व है वो उसके समझ में कितना है, कुछ नहीं है। वो कह रहा है बस खाली राम राम करते हैं, उसके अंदर से नाम का महत्व शून्य हो गया, वो नाम को कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी स्पष्ट सी बात कही, पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, चाहे कितने जन्मों की बिगड़ी हो अभी सुधर जाएगी, आज सुधर जाएगी, लेकिन कब, जब हो ही राम को, जब राम जी के हो जाओगे, और हो ही राम को, राम जी के होके फिर नाम जप, अब नाम जपो, और तुलसी तज कुसुमाज, कुसुमाज का त्याग करो अर्थात कुसंग का त्याग कर दो। जो कुसंग उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है, जो व्यवहार है जीवन में, उसका त्याग कर दो, उससे बचो कि कुसंग ना हो, और कब, जब हो ही राम को नाम जप। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि ठीक है नाम का प्रभाव होगा, बिगड़ी जन्म आने की अभी सुधरे आज, वो भी होगा काम, लेकिन कब, जब हो ही राम को नाम जप, जब भगवान के नाम का जप होगा उनसे संबंध जोड़ के, जब उनके साथ संबंध हो जाएगा, जब राम जी के साथ संबंध हो जाएगा, है ना। माता पिता गुरु सुखा सब विधि ही तू मेरा, गोस्वामी जी लिखते हैं ना, तू दयाले दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो मैं पुंज पात की तू पाप पुंज हारी, तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, तोरे मोरे नाते अनेक, मेरे आपके अनेक संबंध हैं, मानिए जो भावे, जो आपको पसंद हो वो आप मान लीजिए, तात मात गुरु सिखा सब विधि तुम्हें, सब कुछ उन पे छोड़ दिया ना, और स्वयं को उनसे जोड़ लिया, आप सब कुछ है मेरे, मेरे तो माई बाई माई बाप दो आखर, ऐसे ना गोस्वामी जी संबंध जोड़ा ना, हो ही राम को, अब क्या हुआ, हो ही राम को अब नाम जप, अब नाम जप होने लगा, तो इसका प्रभाव होता है। नाम का प्रभाव ऐसे होता है, नाम का प्रभाव ऐसे होता है, ऐसे नहीं आ ठीक भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशी दसु, ये ठीक है नाम की महिमा है, नाम जपत मंगल दिशी दसु, लेकिन जिस नाम का प्रभाव या जिस प्रयोजन को लेकर हम सभी नाम जप करते हैं, जो साधक भक्ति में आते हैं, वो प्रयोजन केवल इस प्रकार से सिद्ध नहीं होगा, ठीक है हो ही राम को नाम जप, है ना,
भाव को भाव अपन रखा लसु नाम जपत मंगल दिशे तो ठीक है, मंगल होगा सब अच्छा होगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, राम जी का प्रेम, राम जी के साथ, वो चीज कैसे प्राप्त होगी? वो प्रेम से प्राप्त होगी। जैसे अभी जब मानस जी का विश्राम हुआ तो क्या क्या कहा कि राम जी सभी प्रकार के साधनों को करने वाले से भी उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते जस निष्क्रिय वाले प्रेम, जैसे कोई केवल निष्काम प्रेम करने वाला है वो उससे जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे अनेक साधन संपन्न से भी नहीं होते, अनेक साधन संपन्न से भी नहीं होते। महर्षि दुर्वासा शंकर जी के तेजांश से उत्पन्न, समझे ना, और एक सामने भक्त, भक्त श्री अम्बरीश, गृहस्थ भक्त राजा। दुर्वासा जी में क्या नहीं था, कौन सी साधना नहीं थी? ब्रह्म ऋषि के तेज के समान उनका तेज, लेकिन वही जब भक्त के विरुद्ध हो गए तो जान बचा के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भक्त के पास प्रेम है, भले उसके पास साधन नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन उसके पास प्रेम है, और प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। और प्रेम कब होगा? प्रेम तब होता है जब हम किसी से संबंध जोड़ लेते हैं। सामान्य संसार की बात, आप कहीं जाएं, देश में, विदेश में, घर में, आस पड़ोस में, कहीं पे भी आप जाएं, जिससे आपका संबंध होगा आपका प्रेम भी उससे ही होगा, बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। प्रेम को संबंध का एक आधार चाहिए, चाहे पति पत्नी का हो गया, प्रेमी प्रेमिका का हो गया, माता पिता का हो गया, पिता पुत्र का हो गया, भाई भाई का हो गया, भाई बहन का हो गया, कि कोई चीज, कोई भी संबंध हो, प्रेम को एक आधार चाहिए ना। वही संबंध हमें राम जी से स्थापित करना है, और उस संबंध को फिर जोड़कर तब हो ही राम को फिर नाम जप। अब जो नाम जप का प्रभाव होगा वो संबंध मानकर होगा, संबंध मानकर होगा, संबंध माता पिता का भी हो सकता है, राम जी से माता पिता का हो सकता है, स्वामी का हो सकता है कि हम राम जी के स्वामी, राम जी स्वामी हैं, हम सेवक हैं, हम कोई भी संबंध हो, इस प्रकार से काम होता है तब। तो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप, हो ही राम को नाम जप। जैसे बच्चा है ना, वो माँ के साथ उसका जितना घनिष्ठ संबंध होता है ना, जितना उसका प्रेम होगा अधिक, माँ उसको उतनी शीघ्र ही मिलेगी, उतनी शीघ्र ही उसके पास आएगी, उतनी शीघ्र ही उसके पास आएगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं ना। आजकल के समाज में तो बड़े अच्छे अच्छे साधक सब परीक्षा में फेल ही होते हैं। थोड़ी सी साधना हो गई और भगवान ने परीक्षा ले ली, और फिर परीक्षा कैसे ले ली? थोड़ा सा मान सम्मान ऐश्वर्य दे दिया, फेल हो गए, उसी में लग गए। अब भजन याद नहीं रहा, भगवान याद नहीं रहे, अब उसी में लग गए। किसी को थोड़ी सी सिद्धि दे दी, उसी में लग गया। अब भगवान मोबाइल कुछ नहीं, उसी में लग गया। तो जैसे अब माँ है ना, अब बालक है, जोर से जोर आया, तो माँ क्या करती है, अपनी लड़की से कहती है, ए जरा भाई देख लेना, जरा देखते हैं छोटा भाई जोर आया, छोटा भाई जोर आया। वो क्या करती है, जाती है, जाती है तो क्या किया उसने, पहले गोदी लिया, माया ने गोदी ले लिया भाई, माया ने स्वीकार कर लिया, माया अपनी गोद में खिलाने लगी, नहीं माने, अभी भगवान के लिए तड़प रहे, नहीं माने। फिर क्या हुआ, अब माया ने लड्डू दे दिया, लड्डू दे दिए भाई, माया ने मिठाई दे दी, नहीं माने। फिर खिलौना दे दिया, खिलौने से मान जा। तो भांति भांति के विद्धि सिद्धि पे वो भाई बुद्धि ही लोग दिखा भाई आई, विद्धि सिद्धियां बुद्धि को लोभ दिखाना, लोभ किसी भी चीज का हो सकता है, सिद्धियों का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, ऐश्वर्य का हो सकता है ना, मान बढ़ाई का हो सकता है, हर चीज का लोग हो सकता है, किसी भी चीज का लोग हो सकता है, उसमें लग गए।
अब माँ नहीं आएगी, अब राम जी नहीं आएंगे, अब वो क्योंकि जी उसी में लग गया ना, अब वो बहन की गोदी में प्रसन्न है, हाँ लड्डू मिल गया ठीक है बढ़िया है, लड्डू मिल गया अब बढ़िया हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त आंखें बंद करके नाम जप करता है, जैसे योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस तरीके से नाम जप करता है। अब उसको ध्यान में पहले उसका प्रेम था, अब क्या हुआ ध्यान में उसको अनुभव होने लगे, कहीं दूसरे लोक की चीजें या इसी लोक की चीजें दिखने लगी, बहुत दूर का सुनाई देने लगा, है ना, आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी आसपास का धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, उसे लगा ये बढ़िया चीज हो रही है, ये बढ़िया चीज नहीं हो रही है, ये बहुत खराब चीज होने वाली है तुम्हारे साथ, क्यों, ये माया ने, ये जो माया रूपी बहन है ना अभी तुम्हारे पास आ गई है, अब तुम इसी में लग गए, हाँ सुनाई दे रहा है, चा आंखें बंद करके दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है अब आंखें बंद करके जहां मन हो रहा है वहां जा सकते हैं, लग गए माया के फेरे में, अब भगवान नहीं मिलेंगे। तो बड़ी सावधानी, बहुत सावधानी वाली बात है, बहुत संभल के चलने वाली बात है। एक बात परीक्षा अवश्य होती है, मान बड़ाई से हो जाएगी, मान अपमान से हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि, जैसी साधक की योग्यता, जैसी साधक की योग्यता वैसी उसकी परीक्षा। माया में प्रसन्न हो गए, माया ने दे दिया खिलौना, तो भाई खेलो फिर तो झुंझुना बजाना है ना, फिर तो झुंझुना बजाना है बस। जैसे लोग कहते ना महाजी आ गए, लोगों ने धन्यवाद, सब महाजी दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया, चार लोग आ गए पूजन करना शुरू कर दिए, चार लोग आ गए महाजी के पैरों की धूल थोड़ी सी ली अपने माथे पे लगा ली, अच्छा है, संत महात्मा को सम्मान करना अच्छा है ना, कि बड़े भाई महात्मा है। अब महात्मा जी के मन में आ जाए अरे लोग हमारे इतना मान सम्मान करते हैं, अरे हमसे बढ़िया कौन है, बस यही हो गया काम खराब। तो इन सब चीजों से भक्त को बचना चाहिए। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि भाई जिसका संबंध होगा उसका असर जरूर होगा, इसलिए इस बात का भक्त विशेष रूप से सावधानी रखें कि सत्य संबंध हमारा केवल भगवान से रहे, हमारा संबंध केवल और केवल भगवान से रहे, जो हमारा सत्य संबंध है केवल भगवान से रहे। अब संसार में जो संबंध है, गृहस्थ आश्रम में है, कुटुंबी है, उनके उनसे क्या संबंध, वो मैंने अभी दो दिन पहले कहा था भाई भगवान का परिवार मान के सबकी पालन करो तो पालन अच्छे से होगा। कोई भी घर में कोई वस्तु आए तो भगवान के लिए आ रही है, उस प्रकार से करो तो क्या होगा, संबंध एक भगवान से रहेगा और पालन सबका हो जाएगा, कर्तव्य सबके प्रति पूरा हो जाएगा और हर कार्य क्योंकि भगवान के स्मरण होकर हो रहा है इसलिए हर कार्य स्वतः ही हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाएगा। तो कर्म बंधन से मुक्ति हो गई, कर्म का जो बंधन था, जो कर्म उत्पन्न होते वो नहीं होंगे, अब कर्म के बंधन से मुक्ति हुई और पहले के जो कर्म थे जो प्राप्त बन के आए थे वो शरीर भोग लेगा, उसे भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लोगे, शरीर भोग के वो खत्म हो जाएंगे। अब आप में और भगवान के मिलन में क्या बाधा रहेगी, प्राप्त पहले खत्म हो गया और कर्म बंधन आपका हुआ नहीं, तो केवल एक ही मार्ग बचा ना, भगवत प्राप्ति, सीधा सा सरल सा साधन, हर बात हर संबंध हमारा कर्तव्य है, भगवान का परिवार है और हम भगवान के जन हैं, हमारा भगवान से संबंध है। अब भगवान ने संसार में भेजा है सेवा के लिए, सबका सेवा करो, अपने निमित्त जो बने, जो सेवा बने, जो भगवान ने साधन सामग्री दी है उसके द्वारा सेवा करो, जितना भगवान ने धन दिया है, जितना भगवान ने हमें योग्य बनाया है उस हिसाब से सेवा करो ना। देखिए कहने के लिए बहुत है अभी, लेकिन समय बहुत अधिक हो रहा है इसलिए बहुत अधिक नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग संक्षेप में ही समझने का प्रयास करेंगे, संबंध भगवान से, संसार से कर्तव्य, ठीक है, और जब भगवान से संबंध रहेगा तो हमारे कर्म बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और फिर नाम जप, हो ही राम को फिर नाम जप।
और तुलसी तज कुसमाज, जब सब संबंध भगवान से रहेंगे तो कुसमाज अर्थात कुसंग का भी त्याग स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।